ठीक है लिकर्ड फोर्थ सिस्टम ऑफ लीडरशिप में हम समझेंगे कि इन्होंने क्या बताया है लीडरशिप के बारे में ठीक है तो ये लीडरशिप का लास्ट टॉपिक है इसके बाद लीडरशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखें तो प्लीज चेहरा के पेज में देखेंगे लिगड फोर्थ सिस्टम ऑफ लीडरशिप इज अ मॉडल डेवलप बाय ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट रेंजेस लिगर्ड इन्होंने स्टेब्लिश किया था ये मॉडल ठीक है इन्होंने अपनी जो रिसर्च थी न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट वहां पे इसको थोड़ा हाईलाइट किया है ठीक है तो हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड के पार्ट हम समझेंगे इसमें है क्या इन्होंने चार तरीके फोर मतलब तो आपको देखा है ना यहाँ पे फोर सिस्टम है लीडरशिप का मतलब लीडरशिप के चार सिस्टम हो सकते हैं पहला है एक्सप्लॉयटिव ऑथोरेटेटिव सिस्टम एक्सप्लॉयट एक्सप्लॉयट मतलब क्या है लोगों को आप एक्सप्लॉयट कर रहे हैं यहाँ पे ऑथोरिटेटिव अथॉरिटेटिव मतलब क्या एक तरीके की आप चीजों को खुद कर रहे हो तो मतलब डिसीजन जो है वो पावर अपने पास रखे हो लोगों को नहीं दे रहे हो डेमोक्रेटिक नहीं है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव है ठीक है दिस सिस्टम इज हाईली अटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये मार कर लो ये हाईली ऑटोक्रेटिक होती है मतलब कि एक होती ऑटोक्रेटिक जहां पे आप सत्तावादी कह दो जहां पे आप सारी चीजों को सारे डिसीजंस को खुद लेते हो लोगों को बस सुनाते ठीक मतलब है वो होता हाईली मतलब कि बिल्कुल वैसे सख्त है वो आप ही ले रहे हो तो कहाँ लिए जा रहे हैं टॉप पे लिए जा रहे हैं और कम्युनिकेशन फ्लोस प्राइमरी फ्रॉम द टॉप टू डाउन मतलब uh, या कह लो कुछ भी या ज्यादा तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सबॉर्डिनेट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे वो ऊपर वाले लेते ले हैं वो आपको सुनाते हैं और आपको वो करना होता है डेम्फिस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल मेन एम क्या है आपे? क्यों डिसीजन ले रहा है टॉप क्योंकि उसको लगता है हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं वी well दूसरी चीज तो ये है कि इतना ऑटोक्रेटिक तो चलो ठीक है या अथॉरिटेटिव क्यों है क्योंकि डिसीजन टॉप लेवल ले रहा है सब ऑर्डिनेट से तो पूछा नहीं जा रहा है या तो ना मात्र पूछा जा रहा है लेकिन एक्सप्लोटिव क्यों जुड़ा है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन आप लेते हो ना अगर आपको लगता है मेरे इम्प्लॉयज का नुकसान भी उसमें हो रहा है ना तो भी मैं कराऊंगी ठीक है उनका उनको मुझे लग रहा है ना मैं उनसे आ, अपने फायदे के लिए बारह तेरह घंटे भी काम करा सकती हूँ ना तो मैं करवाऊंगी मुझे उनकी चिंता नहीं है मुझे अपनी चिंता है मेरा गोल्स अचीव होने चाहिए मेरा मेरा पैसा बनना चाहिए डैट सेट इसीलिए इसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव एक्सप्लॉयटेटिवॉरिटेटिव सिस्टम जो कि सिस्टम वन है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं दूसरा है सिस्टम सिस्टम इन दिस लीडरशिप इज स्टिल लार्जली डायरेक्टिव बट देयर इज अ डिग्री ऑफ कंसन ऑफ एम्प्लॉय वेल मतलब ये जो दूसरा है ना ऑथोरिटेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप अभी भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफी हद तक टॉप लेवल के पास ही है वही डिसीजन्स ले रही है और ऊपर से नीचे जो है वो फ्लो कराया जा रहा है लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले से थोड़ा फायदा यहाँ पे ये यह है वो ये है कि ये एक्सप्लोटेटिव नहीं है ये अपने इंप्लाइज के बारे में सोचते हैं वाई दिस सिस्टम मे शो सम कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सेयर्स जैसे वो लोग हैं ना वो उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे उनको उनसे कोई मतलब नहीं लेकिन ये वाले जो लोग हैं ये थोड़े अच्छे हैं ये वाले डिसीजन ले रहे हैं लेकिन इंप्लाइज के वेलबींग को सोच के ले रहे हैं या भाई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे हमारे इंप्लॉइज को या हमारे सबॉर्डिनेट का नुकसान हो या उन्हें कोई दिक्कत आए तो ये थोड़ा अच्छा है इसके कंपेरेटिवली अच्छा है ठीक है तो ये दूसरा सिस्टम था नेक्स्ट आता है कंसल्टेटिव सिस्टम कंसल्टेटिव मतलब क्या है आप कंसल्ट कर रहे हो लोगों से पूछ रहे हो तो ये दूसरा है तीसरा है कंसल्टेटिव सिस्टम इन्वॉल्व अ मोर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल मतलब यहाँ पे आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हो लीडर शेक इनपुट एंड फीडबैक फ्रॉम सबॉर्डिनेट बिफोर मेकिंग डिसीजन मतलब वही है कि डिसीजन लेने से पहले सबॉर्डिनेट से पूछोगे वाइल द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रेस्ट विद द लीडर लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा वो लीडर लेगा आपसे पूछेगा आपसे सलाह लेगा आपका इनपुट लेगा लेकिन कोई ना सुनो सबकी करो अपनी वो वाला ये सुनेगा वो सबकी लेकिन करेगा किसकी जो उसको सही लगेगा वो

इससे कुछ नहीं हो सकता तो फिर भाई उसको आप इग्नोर मार सकते हो नेक्स्ट जो लास्ट है आपकी यहाँ पे वो है पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम क्या है दिस इज द मोस्ट पार्टिसिपेटिव एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड सिस्टम यहाँ पे क्या है ज्यादा पार्टिसिपेटिव है यहाँ पे लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हाईली डिसेंटलाइज है मतलब कि ज्यादा डिसेंटलाइज है बहुत आपने पावर दे रखी है लोगों को लोग इंप्लॉयड जो है वो डिसीजन मेकिंग है पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे वहां पे पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन फाइनल अपॉर्चुनिटी किसके हाथ में फाइनल डिसीजन किसके हाथ में लीडर के हाथ में लेकिन यहाँ पे सबके पास जो सबॉर्डिनेट उनके पास ज्यादा पावर है वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं उनको इतनी पावर भी दे सकते हैं विद एम्प्लॉय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग प्रोसेस लीडर इन दिस सिस्टम ट्रस्ट एंड इन्वॉल्व इन सेटिंग गोल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग तो यहाँ पे आप सबॉर्डिनेट को क्या करते हो इतना भरोसा करते हो उनको अपने डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में या गोल्स को सेटअप करने में इन्वॉल्व करते हो तो टीम वर्क है यहाँ पे इंप्लाई सेटिसफाई रहता है क्योंकि भाई वो सिर्फ बोल फीडबैक दे नहीं रहा उसका कंसिडर भी किया जा रहा है ठीक है वो डिसीजन मेकिंग में बराबर का हकदार है और बराबर की सलाह दे रहा है तो ये है आपका पार्टिसिपेटिंग बिल्कुल पार्टिसिपेट करा रहे हो तो यहाँ पे हमने चार पढ़े जो उन्होंने कहा सबसे पहला तो देखा काफी बकवास है एक्सप्लॉटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम क्योंकि यहाँ पे आप बस एक्सप्लॉर्टेशन कर रहे हो पावर है आपके टॉप लेवल के पास लेकिन उस पावर को वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है ज़्यादा लोगों का नुकसान हो भी रहा है अगर उसके डिसीजन से तो वो करवाएगी वेनोवलेंट में थोड़ा सा फ़ायदा ये था कि भाई थोड़ा अथॉरिटेटिव हो टॉप लेवल डिसीज़न ले रहा है लेकिन दूसरों के बारे में भी सोच ले रहा है ठीक है नेक्स्ट जो था आपका वो था यहाँ पे कंसल्टेटिव लोगों से सलाह ले रहे हो मशवरा ले रहे हो लेकिन जो फाइनल डिसीज़न है वो लीडर के हाथ में वो उनको कंसिडर करता है या नहीं करता है वो अलग बात है लेकिन वो उनसे पूछ लेगा ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि यहां पे आप सबको शामिल कर रहे हो और उनको अपॉर्चुनिटी इक्वल दे रहे हो कि वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर चीज में क्या करें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और उनके डिसीजन को आप कंसिडर भी कर रहे हो तो ये था तो इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट द लिक्विड फोर्स सिस्टम लीडरशिप इज कॉन्टिनम आन ऑर्गेनाइजेशन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोर देन वन सिस्टम सैमल्टेंसी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ें दो सिस्टम है जैसे कि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको दो सिस्टम की फीचर्स देखने को मिल जाए मिक्सटअप लाइक एक सिस्टम हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सिस्टम फोर को भी यूज कर रही हो और समय समय पे वो सिस्टम बेनोलेंट वाला भी यूज़ कर रही हो मतलब उसको लगता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं सबको नहीं से दे सकती ठीक है मैं सबको नहीं अपॉर्चुनिटी दे सकती हाँ मैं लूंगी डिसीजन फ़ायदे में ही लूंगी आपके आप ट्रस्ट करो इतना बट मैं आपको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती तो वो भी वो एक वो भी स्टाइल अपना रहे हैं और साथ ही साथ ये भी स्टाइल अपना रहे हैं कि जहाँ उनको लगता है कि आप बढ़ चढ़ के मतलब पा, पार्टिसिपेट करो आपको फ्रीडम दे सकती हूँ वो भी मैं दे रही हूँ तो मैं दोनों सिस्टम को फॉलो कर सकती हूँ या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो अलग अलग तरीका है सबसे बेस्ट जो इन्हों, इन्होंने माना वो इन्होंने भी पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम को माना इन्होंने कहा ये बहुत ही बढ़िया तरीका है उसको अचीव करने को इससे जो इंप्लाइज है वो भी क्या रहेंगे सेटिस्फाइड रहेंगे सो गाइज यहाँ पे हमने बहुत ही ईजी तरीके से इस टॉपिक को समझा लेकर फोर सिस्टम ठीक है ऑफ लीडरशिप आई होप आप समझ पाए हैं स्टिल कोई भी डाउट है ऐसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे थैंक यू